गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी मैं निकल रहा हूँ सिलीगुड़ी के लिए, तो टाइम हो रहा है आपका 3:20 सुबह का। सो अभी मैं थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया हूँ और आप लोग देख सकते हो मैंने सारा सामान पैक कर दिया, तो निकलते हैं अभी। वेदर का तो कोई ठीक नहीं है, बिकॉज यू नो इट्स काइंड ऑफ क्लाउडी एंड स्टफ। रेन का चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने रेनकोट का सामने ही हैंडी रखा है मैंने वहाँ पर, ताकि कुछ भी इमरजेंसी हो तो मैं उसको जल्दी से जल्दी निकाल सकूँ। तो फ़िलहाल यही है, निकलते हैं। और संदीप भाई भी आज निकल रहे हैं गुवाहाटी से, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। संदीप भाई का 550 किलोमीटर है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, और मेरा यहाँ से सिलीगुड़ी होगा 600 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कितना टाइम लगता है। आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट, जितना जल्दी हो सके पहुँचने का कोशिश करूँगा। तो चलो, सी यू गाइज ऑन द रोड देन। मैं विद्यासागर सेतु क्रॉस करने ही वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप सिटी के अंदर रहते हो कलकत्ता में, लाइक मैं जिधर मैं रहता हूँ कलकत्ता एक्सट्रीम साउथ, अब उधर से सिटी के बाहर निकलते निकलते ही करीबन 1 घंटा लग जाता। सो दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट। और बीच में थोड़ा सा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड क्लोजर्स एंड ऑल द स्टफ। सो या इट टुक मी अ लिटिल बिट टू कम ओवर हियर। तो आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना कि मैं हूँ। संदीप भाई से फिलहाल तो मैं निकलते हुए कॉल नहीं किया था संदीप भाई को कि वो निकले है कि नहीं। जहाँ तक कल रात को मेरा संदीप भाई से बात हुआ था, तो ही टोल्ड मी लाइक ही विल बी लीविंग फ्रॉम गुवाहाटी लाइक अराउंड 5:00 इन द मॉर्निंग। तो देखते हैं संदीप भाई कॉल करेंगे तो पता चलेगा, मैं भी आप लोगों को बताते रहूँगा। तो यस, फाइनली अभी तो विद्यासागर सेतु क्रॉस करके मैं दुर्गापुर एक्सप्रेस वे वाला रूट ले लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया, क्योंकि अगर आप कलकत्ता साउथ में रहते हो और इस साइड से यही साइड काफ़ी बढ़िया होगा। मतलब आई थिंक दिस इज़ द शॉर्टकट रूट, सबसे बढ़िया है, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। क्योंकि लास्ट एक दो बार मैंने दक्षिणेश्वर के थ्रू ट्रैवल किया था, तो वो रूट काफ़ी लेंदी हो जाता है अगर आप साउथ में रहते हो तो। सो या आई होप आज बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आज फिर। वैसे भी आई एम प्रिपेयर्ड बिकॉज दिस इज़ द मानसून टाइम, तो मैं उस हिसाब से ही प्रिपेयर्ड करके आया हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रेनकोट वगैरह सब सामने ही रखा हो, अपना GPS होल्डर के लिए भी मैंने पाउच खरीदा है, अपने फ़ोन के लिए जिसको मैं GPS की तरह यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं निकाल लूँगा। एंड यस, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ एंड ऑल द स्टफ वट एवर इज़ नीडेड। रास्ते में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर मैं भीग गया इन केस, तो या टी शर्ट्स एंड ऑल, तो आई एम कैरिंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट। ये रोड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, गाड़ी तो 30-40 के ऊपर चला ही नहीं पा रहा हूँ। आगे चलते हैं, दुर्गापुर एक्सप्रेस वे मिलने के बाद काफ़ी बढ़िया रोड मिलने वाला है। फिलहाल मैं दुर्गापुर एक्सप्रेस वे में हूँ, बर्धमान इधर से करीबन 60 किलोमीटर है जहाँ तक मुझे GPS बता रहा है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा उजाला होने का चांसेस है। द टाइम इज़ अराउंड लाइक 4:30 AM राइट नाउ। तो यार ठंडा ठंडा लग रहा है अभी, आसमान तो मुझे काफ़ी क्लियर लग रहा है। आई होप आज का दिन काफ़ी सनी रहे तो मेरे लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि एक बार बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर कहीं पर रुक जाना पड़ेगा, या आप जितना भी रेनकोट लगा लो या कुछ भी कर लो यार। मतलब थोड़ा बहुत वो, मतलब बारिश में भीगने के बाद थोड़ा बहुत थकान आ ही जाता है। सो या तो होप करते हैं कि आज बारिश ना हो, तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अभी देखिए आप लोग देख सकते हो दुर्गापुर एक्सप्रेस वे में हूँ मैं, पता नहीं कैमरा पे कितना क्लियर आ रहा है। और मैं बर्धमान वगैरह तो काफ़ी पहले क्रॉस कर गया, बीच में बारिश शुरू हो गया था, इसीलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा उधर में। मैं एक जगह हॉल्ट लिया थोड़ा सा, एंड इट वॉज लाइक रेनिंग हैविली। तो या आप लोग देख सकते हो घर से मैं एग्जैक्टली आई एम डन विथ लाइक 154 किलोमीटर सो फार। टाइम हो रहा है आपका 7:45, तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। इधर से आपका साइन बोर्ड में मैंने चेक किया, अकॉर्डिंग टू GPS एज वेल, मोरग्राम यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स के आसपास है, 90 या। तो लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। और मॉनसून के टाइम में राइड थोड़ा थोड़े इसकी हो ही जाता है, इफ़ यू आर राइडिंग इन स्कूटी, क्योंकि टायर्स मेरे छोटे हैं और स्किड का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि गाड़ी कभी भी स्किड कर सकता है। तो
तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, आई मीन या और रोड में अगर मड हो और स्लश हो फिर तो क्या कहने, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस देन। और अभी आप लोग देख सकते हो कि धूप निकला हुआ, आई मीन वेदर इज चेंजिंग सो ड्रास्टिकली, लाइक यू हैव नो आइडिया। तो काफ़ी जगह पे ऐसा हो रहा है कि अचानक से धूप आ रहा है फिर अचानक से बारिश हो जा रहा है, तो ये दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस है। और हाँ, मैंने एक बार रिफ्यूल फिर से करवा लिया है, आई मीन हाँ, तो घर से मैं जब निकला था तो टैंक फुल था मेरा, क्योंकि कल रात को मैं निकलने से पहले टैंक फुल करवा लिया था, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 150 अराउंड किलोमीटर्स चला, तो उसके बाद 150 चलने के बाद अभी मैं वापस रिफ्यूल करा लिया हूँ, अभी देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और आप लोग देख सकते हो, आई मीन मानसून में ट्रैवलिंग थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट यू नो द ब्यूटी, द ग्रीनरी का जो डेप्थ मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ट्रैवलिंग इन मानसून इज़ फन, बट या इट रिस्की, इट इज़ रिस्की एज वेल, आई मीन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है मानसून के टाइम ट्रैवलिंग करना, अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं जा पाओगे, बारिश हुआ फिर बहुत कुछ हो सकता है, यू नो लाइक इन रेनी डेज, तो उस हिसाब से आपको प्रिकॉशन और प्रिपरेशन भी लेना पड़ता है। और ये वाला रोड जिससे मैं जा रहा हूँ, ये स्टेट हाईवे 7 है, ये आपका बर्धमान से इंटरकनेक्टेड है, और ये रोड आपका सीधा निकलेगा मोरग्राम, तो बीच में काफ़ी सारा जगह है, तो अगर आप इस रूट यूज़ करोगे तो ये रूट बेहतर है रादर देन यूजिंग एन H34, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा प्रीवियस लास्ट टाइम जो मेरा सिलीगुड़ी टू कोलकाता का जो स्ट्रेच था रिटर्न आते वक्त मेरे शिलोंग वाले ट्रिप में, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आई मीन लाइक कृष्णनगर से बाराशत तक का रास्ता जो है इट इज़ लाइक वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। तो मैं जनरली यही रूट लेना प्रेफर करता हूँ, ये रूट आई मीन रोड भी काफ़ी बढ़िया है एंड इट्स क्वाइट यू नो लाइक ट्रैफिक उस तरीके से रहता नहीं है, तो काफ़ी बेहतर है इस रूट से ट्रैवल करना, एंड यू कैन सी द ग्रीनरीज ऑल अराउंड, सो या जस्ट लविंग इट। और मेरा जो एक्चुअली प्लान मैंने इस टाइम क्यों बनाया, क्योंकि रीज़न है ये, मेरा दोस्त अभी आ रखा है, मैंने उसको कहा था 2-3 महीने पहले आने के लिए, सो दैट मैं सिक्किम का ट्रिप एक्चुअली प्लान कर रहा था मिड ऑफ मे और एंड ऑफ मे, पर वो लेट आया बोल के मुझे थोड़ा वेट करना पड़ गया, सो या लेस चॉइस यू नो, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया प्लान बनाने में। तो अभी मैं ऑलमोस्ट मोरग्राम पहुँच चुका हूँ, अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आई मीन सामने ये सामने जो बोर्ड लगाया हुआ है आप लोग देख सकते हो, सिलीगुड़ी बाया मालदा बाया फरक्का बाया, इफ यू वांट टू गो टू बहरमपुर कृष्णनगर एंड कलकत्ता दैट्स द राइट वे, सो वी विल बी टेकिंग लेफ्ट एंड दिस इज मोरग्राम एंड द टाइम इज राइट नाउ इज 10:25 और घर से 239 किलोमीटर्स डन सो फार। तो अभी देखते हैं यहाँ से मालदा कितना दूर है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, और GPS वाला फ़ोन मैंने अंदर डाल दिया क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो गया, वो फ़ोन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी तो यहाँ से रूट पूरा सीधा है मुझे जनरली पता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई गेस देखते हैं, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 1 बजे तक अगर मालदा पहुँच सकते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा मेरे लिए, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द रायगंज क्रॉस कर सकूं, आई मीन मेरा टारगेट तो वही है 4:30 बजे तक अगर मैं रायगंज क्रॉस कर लूं तो आई कैन मेक इट अप टू सिलीगुड़ी बाई 8:00, तो ये है मेरा प्लान, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, होप फॉर द बेस्ट। तो अभी आपका टाइम हो रहा है 1:05, तो ये जो रोड मैं लिया हूँ ये मैं कालिया चौक क्रॉस करने के बाद डायना ले लिया हूँ, तो मैंने किसी से पूछा तो मुझे बताया गया कि ये वाला मालदा बाईपास है, तो मैं इधर से ले रहा हूँ क्योंकि मेन सिटी होके जाने से रदबाड़ी फिर आपका मंगलबाड़ी, तो उधर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि उधर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए ये वाला दिस रोड आई वॉजन्ट श्योर अबाउट इट, लाइक मैं लास्ट टाइम देखा था मैं दिसंबर वाला ट्रिप में तो काम चल रहा था इसका, आई वॉजन्ट श्योर लाइक इट्स ओपन फॉर पब्लिक, अभी भी बाहर पर कुछ जगहों पर रोड क्लोज तो लिखा हुआ था, पर मैंने कुछ लोकल आदमी से पूछा तो बोला कि आप जा सकते हो बोल के, तो इसीलिए मैं इधर आ गया, तो अभी देखते हैं इधर से तो फिर डायरेक्ट निकल जाएंगे फिर, तो अभी प्लान तो यही है कि डायरेक्ट एकदम रायगंज जाकर ही रुकेंगे, बीच में शायद एक बार रुकूंगा, देखते हैं। अभी मैंने वापस रिफ्यूल कर लिया, आप लोग देख सकते हो
मेरा टोटल किलोमीटर अभी तक हुआ है, आई मीन फ्रॉम कलकत्ता इट्स 332 सो फार। सो या अभी देखते हैं कितना जल्दी कवर हो पाते हैं, और वेदर का हालत तो आप लोग देख ही सकते हो, आई मीन लाइक इट्स सो क्लाउडी, आई होप यू गाइस कैन सी दैट, इजंट इट। हे फोक्स, सो आई हैव रीच्ड गाजोल नाउ। सो रायगंज ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स है, अभी जस्ट निकलने वाला हूँ रायगंज के लिए। तो संदीप भाई से भी बात कर लिया है मैंने अभी, तो संदीप भाई आपका अलीपुर द्वार पहुँच चुके हैं, उसका तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं वहाँ से। तो मेरा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 205 किलोमीटर्स है, तो आई एम गोना डू माई बेस्ट, देखते कितना जल्दी कवर अप हो पाता है। और ये लास्ट का जो स्ट्रेस था, मैंने कालिया चौक से लेके यहाँ तक मैंने कोई ब्रेक बीच पे दिया ही नहीं, मैंने गाड़ी चलाया अप्रॉक्सीमेटली आपका 90-100 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच बिना किसी ब्रेक का। तो अभी थोड़ा सा गाड़ी को ठंडा वगैरह कर रहा हूँ, जैकेट वगैरह खोल कर रखा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो या लेट मी सूट अप एंड गेट बैक ऑन द रोड। सो या सी यू गाइस देयर। तो रायगंज क्रॉस करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने डालखोला वाला रूट तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो आपका ट्रेन लाइन का वहाँ पे जो जैम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो इट्स रियली वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने सोचा ये अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता है, गूगल मैप बता रहा था ये वाला रोड, और मैंने कुछ लोकल लोगों से भी पूछा तो वो लोग मुझे बताया कि लाइक ये वाला रोड से आप सिलीगुड़ी जा सकते हो, आई मीन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कम भी होगा इस रोड से जाने से, और इनफैक्ट आई विल रीच फास्टर देन द डालखोला रोड। सो आई हैव डिसाइडेड टू यस टू गो। हेलो गाइस, तो अभी अभी आप लोग देख सकते हो मैं बारिश में बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, आई मीन लाइक कुछ भी, मैं रेनकोट तो लगा लिया हूँ और सब रेन कवर सारा प्रिकॉशन लेके तो मैं निकला ही था, फिर भी मेरा जूता वगैरह सब भीग गया समाओ, बिकॉज सडनली इस तरीके से बारिश जब शुरू हुआ कि कहीं पे रुकने का जगह नहीं था, इन द लाइक इन मिडल ऑफ नो वेयर। तो फाइनली अभी निकल रहा हूँ, सामान वगैरह राइडिंग जैकेट वगैरह सब अंदर डाल दिया हूँ, राइडिंग जैकेट इनफैक्ट पूरा भीग चुका है, और वही जब तुम देख सकते हो बारिश किस प्रकार से, आई मीन लाइक इट्स रेनिंग सो हैवीली, मुझे भी कुछ सही तरीके से कुछ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल मैं आराम से आस्ते आस्ते जाने का कोशिश कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मेरा रिफ्यूल का भी टाइम हो चुका है, मुझे पेट्रोल पंप भी ढूंढना पड़ेगा। सो या इट इज अ टफ डे एक्चुअली। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, आई रीच लाइक सिलीगुड़ी अराउंड 10:45। तो बारिश के कारण, बारिश इतना कंटिन्यूसली और इतना हैवीली हो रहा था, कोई चांस ही नहीं मिला। आई वॉज ऑन द हाईवे, देर वॉज नो ट्री, देर वर नो शेड्स, इससे पहले ही कुछ कर कर मैं ऑलरेडी भीग चुका था, उसके बाद मैंने रेनकोट वगैरह लगाया तो इवेंचुअली कोई काम हुआ नहीं उससे। और इधर भी बीच में भी 2-3 जगह काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बट एनी वे सुबह से बारिश तो मुझे उस तरीके से थोड़ा बहुत मिला, बट इस तरीके से नहीं मिला, लाइक कॉन्स्टेंट 100 किलोमीटर्स मुझे राइड करना पड़ा, आई मीन इन रेन। फिर वही बात है, दैट इट इज़ लाइक
मानसून का टाइम है, रेन तो हो गई, क्वाइट नेचुरल इजंट इट। तो ये मैं प्रिपेयर उस तरीके से ही निकला था, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज, एवरीथिंग एक्स्ट्रा। सो या तो या दिस टाइम एटलीस्ट लास्ट टाइम से बेहतर ही आया हूँ, एटलीस्ट बेटर तरीके से आया हूँ एंड प्रीटी मच एग्जॉस्टेड। सो आई होप ये वाला जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। इफ़ यू आर ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू।